दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ शांभवी। आशा है आप सबको मेरी आवाज सुनकर जल्दी नींद आने में मदद मिलती होगी। अगर आपको मेरी आवाज पसंद है तो मेरी 150 से भी ज्यादा कहानियां नींद ऐप पर हैं। उन्हें सुनने के लिए नींद ऐप इंस्टॉल करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का आपका बेस्ट मोमेंट क्या था। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करूंगी। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज आपको सुनाते हैं हिमाचल प्रदेश की लोक कथा चतुर बहु। एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके चार बेटे और बहुएं थी। इनमें सबसे छोटी बहू सबसे समझदार थी। एक बार उन्हें अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि वहां के राजा उनसे किसी बात से नाराज हो गए थे। राजा ने शर्त रखी कि उन्हें सिर्फ अपने कपड़ों में ही शहर छोड़ना है, वह साथ कोई सामान या धन नहीं ले जा सकते हैं। इस शर्त को सुनकर सेठ की छोटी बहू ने सिपाहियों से पूछा, क्या हम रास्ते के लिए अपने तई रोटियां ले जा सकते हैं? इस बात पर सिपाही रजामंद हो गए। छोटी बहू ने जल्दी जल्दी आटा गूंदा और उसमें चार बहुत कीमती हीरे छिपा दिए। फिर क्या होता है इस कहानी में, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे
या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। पुराने दिनों की बात है, हिमाचल प्रदेश के एक शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा चार बेटे और बहुएं थी। सेठ की चारों बहुओं में से सबसे छोटी वाली बहुत समझदार और होशियार थी। बाकी तीनों बहुएं सामान्य सोच समझ वाली थी। सेठ अपनी सबसे छोटी बहू पर बहुत विश्वास करता था और वह अक्सर उससे अपने कामों में सलाह मशवरा भी करता था। सभी कुछ हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसे बात हुई कि वहां का राजा सेठ से नाराज हो गया। सिपाहियों ने आकर उसे राजा का आदेश सुनाया कि नगर सेठ तुरंत शहर छोड़ दे। जाते समय वह कोई सामान या धन नहीं ले जा सकेंगे। वह जिस कपड़े में है उसी कपड़े में उन्हें जाना हो। सिपाहियों को आया देख छोटी बहू भी वहां आकर खड़ी हुई। उसने सिपाहियों से पूछा, क्या हम रास्ते के लिए कुछ रोटियां साथ ले जा सकते हैं? इस पर सिपाहियों ने कोई ऐतराज नहीं किया। छोटी बहू ने तुरंत आटा गूंदा और उसमें चार बहुत कीमती हीरे उसमें छुपा दिए और उसके बाद उसने उस आटे से मोटी मोटी रोटियां सेकी और उसे एक पोटली में बांध लिया। बहू रोटी की पोटली लेकर जैसे ही बाहर आई, सभी घर से निकल पड़े। बाहर मौजूद राजा के सिपाहियों ने सभी की तलाशी ली। किसी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उन लोगों ने पोटली भी खुलवा कर देखी। पोटली में रोटी के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। सिपाहियों ने सभी को जाने दिया। उनके जाते ही मकान कुर्क कर लिया गया। शहर का सबसे बड़ा सेठ खाली हाथ अपने परिवार के साथ चला जा रहा था। दिन भर के लंबे सफर के बाद आखिरकार वह लोग सांझ ढले एक दूसरे शहर में पहुंच गए। रात गुजारने के लिए वह लोग एक धर्मशाला में जाकर ठहर गए। रास्ते में किसी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। सभी को बहुत जोर की भूख लगी थी।
लेकिन उनके पास खाने के लिए सिर्फ रोटियां थी। सेठ उदास बैठा था। तभी छोटी बहू ने सेठ के पास आकर कहा, पिताजी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसने रोटी से खीरा निकालकर उन्हें देते हुए कहा, आप यह हीरा बाजार में बेच डालिए, उन पैसों से हम एक अच्छा सा घर खरीद सकेंगे और हमारे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। बाकी बचे पैसों से आप व्यापार शुरू कर दीजिएगा। सेठ ने बहू से पूछा कि उसे यह हीरा कहां से मिला, तो छोटी बहू ने सब कुछ उन्हें सच सच बता दिया। पूरी बात सुनकर सेठ बहू की समझदारी पर बहुत खुश हुआ। वह हीरा लेकर खुशी खुशी बाजार की तरफ चल पड़ा। उसने लोगों से शहर के सबसे बड़े जौहरी के बारे में पता किया। लोगों ने उसे जो पता बताया था, सेठ उस पते पर पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ी दुकान पर एक जौहरी बैठा था। उसने जौहरी को वह हीरा दिखाते हुए कहा, इस हीरे को आप खरीद लें और मुझे इस हीरे के बदले धन दे दें। जौहरी ने इतना कीमती हीरा देखा तो उसके मन में लालच समा गई और वह हीरा बिना टका खर्च किए हथियाने की जुगत में लग गया। उसने सेठ से कहा, यह हीरा तो बहुत ज्यादा कीमती है, इस वक्त दुकान पर इतने पैसे नहीं है, मुझे घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। मैं अपने नौकर को घर भेजता हूं, तब तक आप आराम से बैठिए। जौहरी सेठ को एक दूसरे कमरे में ले गया। वहां पर एक कुर्सी रखी हुई थी जो कच्चे सूत से बनी हुई थी और कुर्सी पर एक गद्दा रखा हुआ था। उस कुर्सी के नीचे एक बड़ा सा छेद था जो सीधे तहखाने में जाता था। जौहरी सेठ को बहुत सम्मान के साथ ले गया और उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। सेठ जैसे ही उस कुर्सी पर बैठा, कच्चा सूत टूट गया और सेठ नीचे बने छेद से होता हुआ सीधे तहखाने में जा गिरा। जौहरी ने तुरंत उस छेद पर एक पत्थर रख दिया और कुर्सी को फिर से सही तरीके से रख दिया। उसने हीरे को अपनी तिजोरी में ले जाकर रख दिया। उधर धर्मशाला में सेठ का इंतजार करते करते रात से सुबह हो गई, लेकिन वह नहीं आया। सभी को सेठ की चिंता हो रही थी। सुबह छोटी बहू ने अपने पति को दूसरा बेशकीमती हीरा देते हुए कहा, पिताजी को जाकर शहर में ढूंढो, अगर वह मिल जाते हैं तो यह हीरा वापस ले आना और अगर नहीं मिलते हैं तो इसे बेच देना और मिले पैसों में से कुछ का खाने पीने का सामान लेते आना। छोटा बेटा वह कीमती हीरा लेकर बाजार की तरफ चल दिया। उसने अपने पिता के बारे में कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उनके बारे में नहीं बता सका।
थक हार कर उसने वह हीरा बेचने का फैसला किया। उसने लोगों से शहर के सबसे बड़े जौहरी के बारे में पूछा तो लोगों ने उस जौहरी का पता बता दिया। अपने पिता की तरह वह भी उसी जौहरी के पास पहुंचा और उसे हीरा देते हुए उसे खरीदने को कहा। कीमती हीरा देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। उसने उससे भी कहा कि पैसे घर से मंगाने पड़ेंगे और फिर ले जाकर उसी कमरे में किसी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। नतीजे में छोटा बेटा भी तहखाने में जा गिरा। जौहरी ने तहखाने के छेद में पत्थर रख दिया। अब सेठ और छोटा बेटा जौहरी की कैद में थे और जौहरी ने उनके दोनों हीरे हथिया लिए थे। उसने दूसरे वाले हीरे को भी अपनी तिजोरी में ले जाकर रख दिया। जब पति शाम तक भी नहीं लौटा तो छोटी बहू को पति की चिंता होने लगी। उसने तीसरा हीरा सबसे बड़े बेटे को देते हुए कहा, आप जाइए, देखिए दोनों कहां रह गए। अगर वह ना मिले तो इस हीरे को बेचकर खाने पीने का कुछ सामान लेते आइएगा, सभी सुबह से बहुत भूखे हैं। बड़ा बेटा भी हीरा लेकर चला और वह भी अनजाने में उसी जौहरी के यहां जाकर पहुंच गया जो उसके पिता और छोटे भाई का हुआ था। अब वह तीनों ही जौहरी के कैद खाने में कैद थे और उनके हीरे जौहरी की तिजोरी में बंद थे। जब सुबह तक बड़ा भाई भी नहीं आया तो सभी बहुत परेशान हुए। इस बार चौथे और आखिरी हीरे को लेकर छोटी बहू बाजार में निकली। उसने सुनार की एक दुकान पर वह हीरा बेच दिया और मिले पैसों से खाने पीने का सामान और सभी के लिए कपड़े आदि लेकर वापस आ गई। सभी को खाना खिलाने के बाद उसने खुद भी भोजन किया और उसके बाद वह धर्मशाला से निकल पड़ी। उसने बताया कि वह तीनों की तलाश करने जा रही है। उसने बाजार में मर्दों जैसी पोशाक खरीदी और उसे पहनकर मर्दों जैसा भेष बनाकर राजा के महल की तरफ चल दी। उसने राजा से गुजारिश की कि वह उसे अपने महल का सिपाही बना ले। राजा ने उसे सिपाही बना लिया और महल की पहरेदारी पर उसे लगा दिया। उसे पता चला कि राजा के जानवरों को बाड़े में रोज रात के भयानक हड़बोंग मचता है, लेकिन डर के मारे कोई उस तरफ का रुख नहीं करता। लोगों का कहना था कि रात में वहां एक राक्षस आता है। छोटी बहू ने राजा से बाड़े की पहरेदारी की इजाजत मांगी। राजा ने कहा कि वहां तो सभी जाने से डरते हैं, लेकिन तुम वहां क्यों जाना चाहती हो। छोटी बहू के इसरार पर आखिरकार राजा ने उसकी ड्यूटी वहां पर लगा दी। छोटी बहू बाड़े के पास ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई ताकि जान सके कि आखिर रात को मचने वाले हंगामे की वजह क्या है।
आधी रात गुजरते ही उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बड़ा सा शेर भागता हुआ चला आ रहा है। वह समझ गई कि यही वह राक्षस है जो बाड़े में आकर जानवरों पर हमला करता है। जैसे ही वह शेर पेड़ के नीचे से गुजरा, छोटी बहू बड़ी सी तलवार लेकर उसके ऊपर कूद पड़ी। इस अचानक हमले से शेर घबरा गया और उल्टे पांव जंगल की तरफ भागा। छोटी बहू उस पर सवार थी, इससे शेर और ज्यादा घबराया हुआ था। शेर एक पेड़ के नीचे से गुजरा तो छोटी बहू ने उस पेड़ की डाल को अपने हाथों से पकड़ लिया और उस पर लटक गई। घबराया हुआ शेर भागता हुआ चला गया। दूसरे दिन राजा को जब यह बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सिपाही बने छोटी बहू को बुलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने मेरी महीनों पुरानी परेशानी से छुटकारा दिला दिया। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, जो तुम चाहो मुझसे मांग सकती हो। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। छोटी बहू ने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस शहर की रक्षा की जिम्मेदारी दे दीजिए, साथ ही मुझे अधिकार भी दीजिए कि मैं शक होने पर कहीं की भी जांच कर सकूं। उसकी काबिलियत को देखते हुए राजा ने उसे शहर का कोतवाल बना दिया। शहर की जिम्मेदारी मिलते ही छोटी बहू ने ससुर और उनके दोनों बेटों की खोज शुरू कर दी। उसने सोचा कि वह तीनों ही कीमती हीरे बेचने के लिए शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास ही पहुंचे होंगे। उसने भी शहर के सबसे बड़े जौहरी के बारे में पता लगाया और वहां पहुंच गई। जौहरी ने अपनी दुकान पर शहर कोतवाल को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और वह उसकी आवभगत में लग गया। जौहरी शहर कोतवाल के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कोतवाल के रूप में छोटी बहू ने कहा, महाराज, जल्द ही राजकुमारी की शादी करने वाले हैं। उनकी शादी के लिए बेशकीमती हीरे चाहिए। तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। जौहरी ने कोतवाल बने छोटी बहू को कई हीरे दिखाए, लेकिन उनमें वह हीरा नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। उसने जौहरी से कहा, समय मत खराब करो, बहुमूल्य हीरे दिखाओ जो राजकुमारी की शादी के लायक हो। यह तो हल्के हीरे हैं। जौहरी ने तुरंत तिजोरी खोली और तीनों हीरे लेकर हाजिर हो गया, जो उसने सेठ और उनके बेटों से धोखे से हासिल किया था। छोटी बहू हीरे देखते ही पहचान गई। उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इस जौहरी को, यह जौहरी के भेस में चोर है, चोर। जौहरी झूठी कसमें खाने लगा
कि यह हीरे उसने चुराए नहीं हैं, यह हीरे उसी के हैं। छोटी बहू ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, यह हीरे तुम्हारे नहीं हैं, तुमने इन्हें सेठ और उनके बेटों से छल से छीना है। तुरंत बताओ कि तुमने उन तीनों को कहां छिपा कर रखा है। यह बात सुनते ही जौहरी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद छोटी बहू ने सिपाहियों के साथ पूरी दुकान की तलाश ली। उसे कमरे में एक बड़ा सा पत्थर रखा दिखाई दिया। जब उसने वह पत्थर हटवाया तो उसे उसके नीचे बहुत बड़ा सा छेद नजर आया। उसने उसमें से झांक कर नीचे देखा तो उसे वहां तीनों नजर आ गए। छोटी बहू ने तुरंत ही तीनों को आजाद करवा दिया। जौहरी को राजा के सामने पेश किया गया। दुर्गा ने उसकी सारी करतूत राजा को बताई। राजा ने सिपाही बुलाकर जौहरी को गिरफ्तार कर दिया। कोतवाल की काबिलियत और होशियारी से राजा बहुत खुश हुआ। उसने उसके सामने राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखा। राजा की बात सुनकर छोटी बहू ने अपना भेष हटाकर असली रूप में आ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैं एक महिला हूं और मुझे यह स्वांग अपने ससुर और उनके दोनों बेटों के जीवन बचाने के लिए रचना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा छोटी बहू की होशियारी और बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने छोटी बहू के परिवार को शहर में बसने की इजाजत दे दी। साथ ही सेठ को फिर से व्यापार शुरू करने के लिए मदद भी की। इस तरह से सेठ का परिवार एक बार फिर से खुशहाली की जिंदगी जीने लगा। अभी आपने हिमाचल प्रदेश की यह सुंदर लोक कथा सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।